आप सभी को नमस्कार। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। फोर्स के हित में एक जो हमारे पास रिसर्च के बाद जो उमड़ा है दिल में, मैं आप लोगों के बीच में रख देता हूँ। देखिए, मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रभावित जब से हुआ तब से नया नया रिसर्च करता रहता हूँ और बातें रखता रहता हूँ। मैं एक बात आज मैं दिल की बात है वो मैं बता दूँ। पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों में प्राय देखने में आ रहा है, जब छुट्टी पे जा रहे हैं तो आस पड़ोस के लोग उसे फंसाने में कोई दिक्कत नहीं कर रहे हैं, झूठी मुकदमा करा देते हैं और थाने में मुकदमा होने के बाद थाना से जो भी लोग होते हैं वो क्या करते हैं, जवानों को परेशान करना सुनिश्चित कर देते हैं। एक्ट एंड रूल लगा के, एक्ट एंड रूल के हथियार बना के लोगों को एक तरह से जेल में डाल के फोटो खिंचाने में बहुत आनंद आ रहा है। अभी एक मामला जवान का आया था कि उसने गाड़ी में छेड़छाड़ की थी, और ऐसे ही तमाम मामले हरदम आते रहते हैं। मैं एक बात मैंने सब सोचा तो मैंने कहीं पुलिस विभाग में जो छेड़छाड़ करते हैं उनको देखा कि लाइन हाजिर कर दिया जाता है, उन पर कार्रवाई होती है, लाइन हाजिर का प्रॉपर पेपर में निकलता है कि जवान को लाइन हाजिर, उनका फोटो जवान का नहीं निकलता है। लेकिन बेचारा जवान पैरामिलिट्री फोर्स का छुट्टी पर जल जाए तो अगर बेशक गलती भी ना किया जाए तो उसे फंसाने में कोई दो राय नहीं करते और फिर फोटो में निकलता है। पैरामिलिट्री फोर्स का ये विभाग का जो किसी विभाग को जवान छुट्टी के दौरान ये काम किया, जिसको उसको हिरासत में लिया, उस पर कानूनी कार्रवाई करते हुए जेल में भेज दिया गया। मैं कहता हूं कि पैरामिलिट्री फोर्स के जवान अगर छुट्टी में जाते हैं, अगर जवान ने गलती की है, आप उसे जरूर अरेस्ट करें और उसके बाद विभाग को सुपुर्द करें। विभाग अपने तरफ से जांच पड़ताल करेगी, कानूनी कार्रवाई करते हुए उसको सस्पेंड करेगी, उसकी आर्थिक दंड निर्वाह करेगी और पुनः उसके लिए एक प्रोसीजर है जो निर्वाह करे। अब ये बात मैं क्यों रख रहा हूँ, ये बात रखने का कारण है कि जब मैंने देखा तो मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रभावित हुआ तब से मैं कर रहा हूँ, क्योंकि नया नया चीज़ें आना चाहिए और डेवलपमेंट होना चाहिए। IPS IAS जो भी लोग बनते हैं उन पे आम आदमी चाहे मुकदमा करने की तो कभी मुकदमा नहीं हो सकता है। मुकदमा अगर आप लगाते हैं तो मुकदमा करने के लिए आप 93 के तहत आपको राष्ट्रपति से अनुमोदन लेना पड़ेगा, इसकी संज्ञान उनके डालना पड़ता है। एक्चुअली क्या है कि देश की रीढ़ की हड्डी में देखा जाए तो एडमिनिस्ट्रेशन की व्यवस्था जो है वो IAS जो बनते हैं UPSC के माध्यम से उनके हाथ में है। बहुत अच्छी बात है, सही बात है, हर लोग तो IPS IAS सब तो बन नहीं सकते, लेकिन जो हर कोई चाहता है कि हम किसी को हिला डुला दें, वैसे ही पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों के लिए अगर एक सेल तैयार किया जाए कि अगर कोई जवान गलत करता है तो उसको तत्काल प्रभाव से अगर पुलिस हिरासत में लेती है तो उस पर मुकदमा दर्ज नहीं होगा और उसकी कार्रवाई जो है वो विभाग करेगा। विभाग कार्रवाई करते हुए उस पर जो है आर्थिक एक दंड की कार्रवाई करेगा। अगर गलत पाया जाता है तो उसको जो है पुनः थाने से, जो थाना है कंसर्न थाना है उसका आयोग और पैरामिलिट्री फोर्स का जो विभाग का एक सेल बनेगा उसका आयोग, दोनों मिलकर उसकी कार्रवाई को सुनिश्चित करेंगे। अगर गलत पाया जाता है तो उसकी आगे की प्रक्रिया होगी, अगर गलत नहीं पाया जाता है तो उसको तत्काल प्रभाव से उस चीज को वापस लिया जाएगा। ये गृह मंत्रालय अगर ये काम करता है तो मैं कहता हूं देश के इतिहास में पहली बार होगा कि पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों के हित में इस प्रकार से किया जा सकता है। जैसे आप समझ सकते हैं कि इंडियन आर्मी के कोई भी जवान अगर है तो उस पर मुकदमा या उस पर कोई चीज अगर वो ड्यूटी में है, अगर कोई ऐसा कर रहा है तो वो दर्ज नहीं होता है, क्योंकि उनके अपने विभाग हैं। बाकी मेरा ये मानना है कि ऐसा अगर होता है तो पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों के हित के लिए बहुत बेहतर होगा। मैंने पुलिस विभाग में देखा, कहीं भी पुलिस विभाग में अगर जवान हो, दरोगा जी हो या कोई भी हो, दरोगा जी बोलते हैं हमारे यहाँ सब इंस्पेक्टर जो होते हैं उनको वहाँ दरोगा जी बोलते हैं, थाना प्रभारी बोलते हैं, तो उन पर मुकदमा जल्दी दर्ज नहीं हो पाता है, मैं ये भी बताता हूँ। तो मैं कहता हूँ उनकी जो फोटो कहीं नहीं निकलती है, ये पेपर में निकल जाएगा कि दरोगा जो है घूस लेते हुए पकड़ा गया, लेकिन फोटो नहीं निकलेगा। दरोगा के तत्काल प्रभाव से सस्पेंड करते हुए लाइन हाजिर कर दिया, SP महोदय के संज्ञान में अब उन पर उचित कार्रवाई होगी। वैसे ही पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों पर अगर वो कहीं गलत पाया जाता है तो तत्काल प्रभाव से उसे अरेस्ट करने के बाद वहाँ के पैरामिलिट्री फोर्स की जो भी यूनिट होगी उसको सुपोर्ट कर दें, उस पर तत्काल कार्रवाई यूनिट करेगी, यूनिट उसकी जांच करेगी, अगर पाई जाती है तो जांच के उपरांत उस पर प्रशासनिक कार्रवाई करते हुए उस पर आगे की कार्रवाई, उसको जेल की सलाखे के पीछे भेजा जा सकता है। लेकिन उसमें कंसर्न यूनिट का भी एक जो है आयो
जो उस पर जांच पड़ताल करने के बाद उसका जो रिपोर्ट तैयार करेगा उसमें रखा जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो बहुत लोगों की बचाव होगी। जबकि एक DIG साहब को फंसाने के लिए पूर्ण रूप से उनके गांव में जब छुट्टी गए तो फंसाने के लिए पूरी ताकत लगा दी और फंसा भी दिया गया, और एक ASI रैंक का अधिकारी जो है उस पर मुकदमे के जो है आयो था वो बार बार उनको जो है नोटिस करवाता था और कोर्ट में ले जाके ये भी तक डाल दिया कि अगर ये हाजिर नहीं होते हैं तो इन पे जो है इनको तत्काल प्रभाव से अगर इन पे अरेस्टिंग वारंट निकाला जाए। जबकि ए क्लास के ऑफिसर ईमानदार, व्यक्तिगत रूप से उनकी पूरी छवि ईमानदार थी, फिर भी उनको नहीं छोड़ा गया। तो इससे कहीं ना कहीं लगता है कि संविधान के तमाम चीज को देखा जाए तो पैरामिलिट्री फोर्स के स्तर को कहीं ना कहीं गिराया गया है। तो मैं ये कहता हूँ संविधान जिसको उतार के तैयार किया गया था आदरणीय इंदिरा गांधी जी के समय, जो पैरामिलिट्री फोर्स को जो एक ताकत दी गई थी 1962 की लड़ाई के बाद, तो ये चीज शायद फिर बरकरार होना चाहिए और उनकी मोराल को अप करते हुए इस बात पर ध्यान देना चाहिए। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रभावित हूँ तो मैं हरदम रिसर्च करता हूँ, तो नए नए चीज़ें रखता रहता हूँ। अगर आपको मेरी ये बात अगर पसंद आए कि किसी भी जवान पे मुकदमा तब तक दर्ज नहीं हो सकता जब तक उसके विभाग कंसर्न उसमें उसका आयोग ना बने, जवान पकड़ने के बाद वो जो है पैरामिलिट्री फोर्स के कस्टडी में रहेगा, उस पर कार्रवाई चलेगी। बाकी इस बात को अगर आपको मेरा बात पसंद आए तो ज़रूर मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन को दबा दीजिएगा कि नई नई वीडियो मिलेंगी, नए नए रिसर्च के साथ आप लोग के हित के लिए। हम आप ही के हैं, किसी और के नहीं हैं। हमारा जो कंसर्न कहने का है ये एक एक रिसर्च है जो बोलता है। जहाँ ये बातें लोग बताने में डरते हैं तहाँ मैं इस चीज़ को निकाल के रखता हूँ कि ऐसा किया जा सकता है तो देश नंबर 1 बनना जा सकता है। जय हिंद।